नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNBC बाय नंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दो दोस्तों के कमेंट्स का आंसर देने वाला हूं। पहले है जुनैद भाई साहब और एक भाई साहब इससे पहले भी इसी टॉपिक पे उन्होंने कमेंट्स करके पूछा था। एक जुनैद भाई साहब ने पूछा था कि किसी डीमर से हम 440 कैसे ले सकते हैं, और दूसरे भाई साहब ने पूछा था कि डीमर से हम वोल्टेज कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि एक डीमर की लिमिट पॉइंट होती है, उससे ज्यादा हम वोल्टेज कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, वजह कुछ बहुत सारी वजह है, हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि अगर आपके पास है कोई 440 स्टेबलाइजर, उसे आपको एडजस्ट करना है डीमर से, तो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी हाई वोल्टेज की, यानी 440 की। तो वहां में आपकी जो नॉर्मल डीमर होती है, वो आपके जो आपकी इनपुट वोल्टेज आती है उसके हिसाब से ये 250 के आसपास तक आपको लेकर जाती है। इसके बाद कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके यहाँ वोल्टेज काफी कम होता है और वहां पे उन्हें एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 280 वोल्ट तक ले जाकर सेट करना होता है, तो उन्हें भी हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है जो डीमर की फुलफिल नहीं कर पाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि डीमर की वोल्टेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह होती है कि डीमर अगर आपका 440 का काम है तो आप एक बड़ा 440 का डीमर ले सकते हैं, लेकिन ये मार्केट में काफी कम मिलती है। इस वजह से ज्यादातर दोस्तों के पास है 220 वाली ये डीमर। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से इसी डीमर से आप 440 वाले स्टेबलाइजर को भी बड़ी अच्छी तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और साथ ही आप किस तरीके से इसकी जो रेंज है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, आपसे मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैंने काफी सारी वीडियोस आपके लिए बनाई हुई है, 5kVA ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, 500W ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, मैनुअल स्टेबलाइजर, बैटरी चार्जर की कारी काफी सारी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप बनाई हुई है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं, और साथ ही अगर अब तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि डीमर की वोल्टेज रेंज को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस डीमर के वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे दो तरह की रिक्वायरमेंट है। एक तो कि आपको इसे 280 तक लेके जाना होता है या मैक्सिमम 300 तक लेकर जाना होता है, यानी इसकी आपके वोल्टेज रेंज को थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये होती है, और दूसरी रिक्वायरमेंट ये कि अगर आप 440 स्टेबलाइजर बनाते हैं तो आपको इसकी रेंज 440 के आसपास ले जानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ाने की जरूरत है तो आप कैसे बढ़ाएंगे, और इसके बाद अगर आपकी हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप एक मैनुअल स्टेबलाइजर लें। जैसा मैंने इस मैनुअल स्टेबलाइजर को बनाकर दिखाया था स्टेप बाय स्टेप, 10 वीडियोस बनी थी टोटल, इसकी ट्रांसफार्मर की टर्न्स कैलकुलेट करना, उसकी कोड डालना, सब कुछ लेकर, तो यही है वो मैनुअल स्टेबलाइजर। तो इस मैनुअल स्टेबलाइजर की आप मदद ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करें कि इसकी जो ऑटो कट की रेंज है, मैंने उस वीडियो में आपको इसकी ऑटो कट रेंज को बढ़ाकर घटाकर भी दिखाया था। इसमें एक प्रीसेट होती है, सिंपली आप उस प्रीसेट को घुमाकर इसकी ऑटो कट की रेंज को बढ़ा ले। जैसे कि आपने 200 पे ऑटो कट सेट कर रखा है, आप उसे 300 पे कर ले। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, इससे आप वोल्टेज को कर ले 300 के आसपास। ठीक, और इसके बाद आपकी जो डीमर की इनपुट वाली सप्लाई है इससे आप कनेक्ट करें स्टेबलाइजर से। उसके बाद आपकी डीमर से आपको 300 से ऊपर आपको वोल्टेज मिल जाएगी। तो ये हुई कि आपकी अगर छोटी मोटी रिक्वायरमेंट है वोल्टेज थोड़ा सा इंक्रीज करने का डीमर से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब बची बात कि अगर आपकी 440 की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे किस तरीके से फुलफिल करेंगे। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल 440 ट्रांसफार्मर बनाना होगा, और उसके साथ आप डीमर को कनेक्ट करके अपने 440 स्टेबलाइजर को बहुत ही अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले उस ट्रांसफार्मर की डेटा आपको बताते हैं, और उसके बाद उसकी कनेक्शन किस तरीके से करनी है। तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है, आप उस वीडियो की मदद ले सकते हैं। वैसे मैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर की आपको डेटा बताता हूँ कि उस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग किस तरीके से होगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारे 100W मैनुअल स्टेबलाइजर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखकर अगर इस डेटा को समझेंगे तो आपको समझने में भी काफी सहूलियत होगी, क्योंकि एक चीज को मैं बार बार तो नहीं बता सकता आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस स्टेबलाइजर के अंदर ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए सबसे पहले
दोस्तों इस स्टेबलाइजर को मैंने 90 से लेके 300 के रेंज में बनाया था, तो इस वजह से इसकी जो पहली लूप में हमने निकाली थी वो निकाली थी 100 पे, तो यहाँ पे आपको चूंकि 440 की बनानी है तो इसलिए जीरो के बाद इसमें ऑटो कट आपको नहीं डालना है। आप जो एक स्पेशल ट्रांसफार्मर बनाएंगे उसमें ऑटो कट आपको नहीं डालना है। तो सबसे पहली लूप आप जीरो के निकालेंगे, यहाँ से वाइंडिंग होगी स्टार्ट, उसके बाद आप दूसरी लूप निकालेंगे 200 वोल्ट पे, ठीक है। उसके बाद तीसरी लूप यहाँ पे आप निकालेंगे 335 पे, उसके बाद 270 पे, 305 पे, 340 पे, 375 पे, 410 और 445 पे। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। वाइंडिंग आपको कैसे करनी है, आप 4.5 की बॉबिन ले सकते हैं और उसमें आप 22 नंबर से आप इस तरीके का अगर एक ट्रांसफार्मर बना लेते हैं तो आप उससे छोटी से छोटे और 10 kVA तक की जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होती है उसे आप बहुत अच्छी तरीके से आप सेट कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलोड में ये आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलोड के लिए ही, ऑनलोड में ही बेसिकली किसी भी स्टेबलाइजर को एडजस्ट किया जाता है और इसके लिए आपको आपकी जो स्टेबलाइजर होगी वो ऑनलोड में होगी और आप यहाँ पे 4.5 बॉबिन की साइज होगी 4 और उसकी स्ट्रैक होगी 1.5 इंच, उसमें आप 23 नंबर तार से आप उसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप एक ट्रांसफार्मर बना ले। और इसके बाद मैंने आपको दिखाई थी 3 kVA मैनुअल डीजे स्टेबलाइजर में कि आप बिना ऑटो कट के आप किसी स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर को कैसे कनेक्शन करेंगे, तो मैंने उसमें आपको कनेक्शन करके दिखाई थी, जिसमें मैंने ऑटो कट की कनेक्शन आपको करके नहीं दिखाई थी, जिसमें कि सिर्फ आप एक स्टेट ट्रांसफार्मर बनाएंगे उसमें रोटरी स्विच और डीपीडीटी स्विच कनेक्ट करके और आप उसे अपने काम में लेंगे, ठीक है। इससे आपकी क्या होगी, अगर आप ये ट्रांसफार्मर अगर आप बना लेते हैं तो आपकी छोटी मोटी जो रिक्वायरमेंट है, तो आपकी जो ये स्टेबलाइजर छोटी है इससे आप 10 किलोवाट की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को एडजस्ट करने में आपको हो जाएगी परेशानी। लेकिन अगर आप इस तरीके का डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, 4 नंबर कोर होगी, 1.5 इंच उसका स्ट्रैक होगा, ठीक है, और यहाँ पे आप 23 नंबर से आप इसकी स्टैंडर्ड वायर गेज होगी 23 नंबर, आप इस डेटा के अकॉर्डिंग आप एक ट्रांसफार्मर बनाएं और सिर्फ रोटरी स्विच और डीपीडीटी के साथ मैंने आपको 3 kVA मैनुअल डीजे स्टेबलाइजर में मैंने आपको दिखाई है उसके अकॉर्डिंग आप एक बॉक्स में इसे सेट कर लें और उसे आप कैसे कनेक्ट करेंगे इस डीमर के साथ, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसे आपको इस डीमर से पहले कनेक्ट नहीं करना है, ठीक है। डीमर की जो आउटपुट होगी, इस डीमर की जो आउटपुट होगी उसे आपको कनेक्ट करना है उस स्टेबलाइजर से, यानी सबसे पहले जो पावर की सप्लाई आपकी आएगी, ठीक है, वो आएगी आपकी बैरियर में, ठीक है, वो आएगी आपकी डीमर के अंदर और इस डीमर से आपकी जाएगी स्टेबलाइजर के अंदर। स्टेबलाइजर से जो आउटपुट होगी ये आपकी एडजस्ट करने में आपकी चली जाएगी। तो सबसे पहले आप डीमर से आप अपने मैनुअल स्टेबलाइजर से थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ा ले, फिर डीमर से आप वोल्टेज बढ़ाएं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने स्टेबलाइजर और डीमर दोनों की मदद से आप वोल्टेज को बढ़ा और घटा कर अपने ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर को काफी अच्छी तरीके से सेट कर पाएंगे। दोस्तों आप ध्यान रखें कि इस तरीके का अगर आप ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो 10 kVA तक की स्टेबलाइजर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से ऑनलोड में एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी अच्छी तरीके से सिस्टम समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने 440 स्टेबलाइजर को या आप अपने डीमर की जो वोल्टेज रेंज है उसे आप किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप एक इस तरीके का एक स्टेबलाइजर बना ले और इसके बाद आप बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको आती है पसंद तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों लेते हैं इस वीडियो से विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।
सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।